नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। भारत में पब और बार संस्कृति किस कदर युवाओं में हावी हो रही है, इसका ताज़ा तरीन उदाहरण देखने को मिलता है बिलासपुर में, जहां बिलासपुर के अमीगोस बार में छत्तीसगढ़ी एक्ट्रेस के साथ मारपीट की गई। इसके चलते बार में बवाल भी हुआ। पार्टी में किसी के जूते से उनका पैर लगा, तब उन छत्तीसगढ़ी एक्ट्रेस ने युवती को ऐसा करने से मना किया। इतने में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उस युवती ने नाखून से उन पर हमला किया और उनके चेहरे को घायल कर दिया। इस घटना के बाद एक्ट्रेस केस दर्ज कराने के लिए दो दिन तक पुलिस थाने का चक्कर काटती रही। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अब केस दर्ज कर लिया है। पूरा मामला तार बाहर थाना क्षेत्र का है और जानकारी के अनुसार भिलाई के न्यू खुर्सीपार में रहने वाली सानिया कंबोज एक छत्तीसगढ़ी कलाकार हैं। सानिया 18 सितंबर की रात अपने दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए लिंक रोड स्थित अमीगोस बार गई थी। यहां डांस फ्लोर पर सानिया अपने दोस्त के साथ डांस कर रही थी, तभी उनके पैर को किसी ने जूते से दबा दिया। पलटकर देखने पर पीछे एक लड़की खड़ी थी। सानिया ने उसे मना किया, तब लड़की ने उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। हाथापाई की भी नौबत आ गई। इस दौरान लड़की ने अपने नाखून से एक्ट्रेस सानिया के चेहरे को नोच दिया, जिससे खून निकलने लगा। इसके बाद वह उन्हें जान से मारने की भी धमकी देने लगी। झगड़ा होते देख सानिया के दोस्त और बार के कर्मचारियों ने बीच बचाव भी किया। इस दौरान लड़की के साथ उनके भी दोस्त थे। इधर इस घटना के बाद सानिया केस दर्ज कराने के लिए तार बाहर थाने गई, जहां पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। बताया जा रहा है कि दो दिन तक पुलिस ने इस केस में कोई भी कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टा सानिया को केस दर्ज नहीं कराने के लिए सलाह देती रही। इसके बाद भी एक्ट्रेस सानिया मारपीट करने वाली लड़की के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए बिलासपुर में ही डटी रही। आखिरकार मंगलवार को राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद पुलिस हरकत में आई और मारपीट का केस दर्ज किया है। गौरतलब है कि 20 से 40 वर्ष का आयु वर्ग यह मानता है कि पब एक स्ट्रेस बूस्टर के रूप में काम करता है। नियमित रूप से व्यस्त कार्य जीवन से व्यक्ति को तनाव मुक्त करता है। साथ ही साथ शराब भारत में राज्य सरकारों के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है, इसलिए जगह जगह पर बार देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि भारतीय संस्कृति जो समूचे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती है, उससे हमारे युवा ही हम खुद ही इससे दूर होते जा रहे हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज के साथ। नमस्कार। पार्टी करने के लिए मैं एक्चुअली यहाँ बिलासपुर शहर से नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर से हूँ। तो 10:30 बजे करीब हमने एंट्री ली थी क्लब में और 11:30 बजे के आसपास एक लड़की ने एक्चुअली हुआ ये कि डांस करते वक्त हम लोग सब डांस कर रहे थे, वो लड़की आके मेरे पैर पे चढ़ी, मेरे पैर को उसने खूंदा और धक्का मुक्की करने की कोशिश की, गाली गलौज की और मेरे फेस पे स्क्रैच मार दिया, जो बहुत ही गहरा निशान बन चुका है मेरे फेस में। और जैसे कि मैं एक छत्तीसगढ़ी एक्ट्रेस हूँ, मैं एक छत्तीसगढ़ की फेम हूँ, तो ये हो सकता है कि शायद ये जानबूझकर किया गया हो या किसी कोई इसके पीछे है जो उससे करवाया है। क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ बिलासपुर में एक इवेंट था जिसमें मेरे बड़े बड़े फ्लेक्स भी लगे हुए थे, तो उस दौरान हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर ये घटना की है मेरे साथ। आपने थाने गए थे तो क्या शिकायत की? थाने में करीब 12 बजे के बाद मैं पहुंची, 12:10 के आसपास मैं थाने पहुंची, तारबहार थाने में। वहां पर मुझे उस दिन तुरंत मेरी FIR रिपोर्ट नहीं की गई थी। नेक्स्ट डे मैं फिर गई थी, उस दिन मैंने आवेदन दिया, उस दिन भी FIR रिपोर्ट नहीं की गई थी। जब मैंने ऊपर से कॉल करवाया तब जाके तीसरे दिन, 3 दिन तक मैं यहाँ रुकी थी बिलासपुर में, 3 दिन बाद FIR दर्ज की गई। ठीक, अभी क्या चाहते हैं? अभी मैं चाहती हूँ कि उस लड़की का नाम अक्षिता मंथा है और इस तरह से पुलिस सवाल कर रही है। इसमें तस्दीक की गई है, ये घटना लगभग 11:15 बजे के आसपास अमीगोस बार में हुई थी, जहाँ पे डांस करते समय दो लड़कियों के बीच में कुछ वाद विवाद की स्थिति हुई थी और एक लड़की के द्वारा दूसरे को झापड़ मारा गया था, उसी में शायद नाखून से उसके चेहरे पर चोट भी लगी थी। ये युवती करीब 11:45 बजे तारबहार थाने पहुंची थी, रात में रोजनामचा एंट्री भी की गई है और 12 बजे इसको मुलायजा के लिए भेजा गया है। उसका MLC होने के बाद वो थाने से चली गई थी और काफ़ी देर रात भी हो गई थी। उसके बाद जब वो थाने वापस आई है तो उसका FIR पंजीबद्ध की गई है इसमें विधिवत। और जो टाइमिंग्स हैं वो क्योंकि 11:15 बजे के आसपास के घटना की तस्दीक हुई है, तो इसमें उस समय वो बार खुले रहते हैं।